हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से एक नई जॉब और वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMTI की तरफ से ITI डिप्लोमा और BTech वालों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो जिन दोस्तों ने हमारे सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से BTech या डिप्लोमा कर रखा है तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर सबके लिए वैकेंसी है, चाहे आप फ्रेशर हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि टेक्निकल जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI तुमकुर रोड बेंगलुरु की तरफ से जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 042022 है और यहाँ पर साफ बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। आपकी जो ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और यहाँ पर ना तो आपका कोई एग्ज़ाम होना है ना तो आपकी कोई एग्ज़ाम फीस लगनी है। आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। यहाँ पर जो है CMTI के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। CMTI भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही कार्य करता है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है, आपकी नेम ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, आपको स्टिपेंड अमाउंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम एज क्या है, आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है और आपके इंटरव्यू की तारीख क्या है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट फेलो की। आपका स्टिपेंड अमाउंट जो है वो आपको 25,000 रुपये प्रतिमंथ मिलने वाला है। मैक्सिमम एज जो है आपकी 32 ईयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे फर्स्ट क्लास बी या BTech या MTech होना चाहिए। आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के, उनका जो इंटरव्यू है वो 22 जुलाई को होना है। ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग, इनका जो इंटरव्यू है 18 जुलाई को होना है। फिर जिन दोस्तों ने हमारे BTech या MTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से या मटेरियल इंजीनियरिंग से, उनका इंटरव्यू जो है 14 जुलाई को होना है। और आपकी दूसरी पोस्ट जो है वो रहने वाली है प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकेंड की। यहाँ पर जो आपको मंथली स्टिपेंड मिलने वाला है 20,000 रुपये प्रतिमंथ। मैक्सिमम एज जो है आपकी 30 ईयर है। यहाँ पर बताया गया है कि आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा जो है इन डिसिप्लिन में होना चाहिए। और आपकी जो है इंटरव्यू की डेट क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले है मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, BSc एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इन सब का जो है इंटरव्यू की तारीख एक ही रखी गई है, 8 जुलाई 2022। और यहाँ पर ITI वालों के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट, सैलरी 18,000, फर्स्ट क्लास ITI इन मैकेनिस्ट या टर्नर में। दूसरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट्स, सैलरी 20,000, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट अदर देन इंजीनियरिंग। और यहाँ पर जो है ITI मांगी है मोटर मैकेनिक में। और ये आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू रही। अब यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट विल बी कंसीडरेड एज प्रोजेक्ट फेलो फर्स्ट सेकेंड एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जो प्रोजेक्ट फेलो है फर्स्ट, अगर आपका BTech क्वालिफाई है तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है 25,000 रुपये प्रतिमंथ। MTech क्वालिफाइड हैं तो आपको 28,000 रुपये प्रतिमंथ सैलरी मिलने वाली है। और फिर अगर हम बात करें प्रोजेक्ट फेलो सेकेंड की, तो BTech क्वालिफाइड जो भी बंदे हैं और उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उन्हें सैलरी जो है 30,000 रुपये प्रतिमंथ मिलने वाली है। और इसके साथ साथ अगर उन्होंने MTech कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी उन्हें सैलरी जो है 30,000 रुपये प्रतिमंथ मिलने वाली है। और इसके साथ साथ में बताया है MTech क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट हैं और उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी बढ़ के मिलने वाली है 32,000 रुपये प्रतिमंथ। और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 30/6/2022 रखी गई है। आपकी एज की, आपके क्वालिफिकेशन, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो इसके हिसाब से काउंट किया जाएगा।
और आप भारत के चाहे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि आप अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करें। और कैटेगरी वाइज जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर या जो भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको CMTI तुमकुर रोड बेंगलुरु ये एड्रेस दे रखा है, आपको वहाँ 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पहुँचना है इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर इन्होंने कुछ अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखे हैं कि विज्ञापन से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और एनी क्लेरिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए इस पे ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इस पे जो है सारी चीज़ें जो है पहले से मेंशन है। एप्लीकेशन यहाँ पर आपको अपना नाम, कौन सा पद कोड है, सीरियल नंबर, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो जो है अटेस्ट करनी है, नाम और पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज एंड डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी में आप आते हैं, और आपका 10, 12 जो भी आपके ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो है आपको सीरियल वाइज सब कुछ भरना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो जो है आप यहाँ पर कंपनी का नाम से लेकर कैसे कैसे करके आप ये सारा कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आपको अपने साइन करने हैं। इस फॉर्म को लेकर जो है आपको उनके ऑफिस में पहुँचना है 9:30 से लेकर 9:30 बजे तक। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।